हाय वीवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार भरवा भिंडी। तो चलिए शुरू करते हैं। मसालेदार भरवा भिंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 750 ग्राम भिंडी ली है। इन्हें अच्छे से धोकर सुखा लिया है। इसी के साथ इनकी आगे और पीछे की किनारियों को भी निकाल लिया है। अब हम इन भिंडियों में कर्च लगाएंगे। हमें इस तरह से भिंडी के सेंटर में कर्च लगानी है। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और मैगी मसाला है। मैगी मसाला यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे भिंडी में बढ़िया सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास ये हो तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम इन सारे मसालों को एक बोल में मिक्स कर लेंगे, लेकिन हम जीरे को साइड में निकाल लेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल हम भिंडी को फ्राई करते वक्त करेंगे। हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इन मसालों को हम भिंडी में भर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने भिंडियों में जो कट्स लगाए थे उन कट्स में अच्छे से मसाला भर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें हमारी भिंडी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम भिंडियों को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ इन्हें हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। यहाँ पर इन्हें हाई फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इन्हें ढक कर कुछ देर तक पकने देंगे। यहाँ पर भिंडी को लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू का रस यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो ही इसमें नींबू का रस ऐड करें। इसी के साथ हमारी भिंडी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी मसालेदार भरवा भिंडी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक व शेयर करें और इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।